सच साहस सरोकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। गोंडा पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सर्किट हाउस में आज करेंगे बैठक। सोनभद्र के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा जिला कार्यालय में करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने जाएंगे ओडिशा, नेताओं की कार्यशाला में लेंगे भाग। दिल्ली में आज से शराब की सभी निजी दुकानें बंद, सिर्फ सरकारी ठेके पर बिकेगी। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11:35 पर बेंगलुरु के एचएल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सीएम योगी यहां एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे। बता दें कि यहां पहला मौका है जब सीएम योगी बेंगलुरु के दौरे पर होंगे। सीएम बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बने श्री धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर प्राकृतिक चिकित्सा सहित कई केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिवांशु हमसे जुड़ेंगे। पिवांशु, कर्नाटक दौरा है सीएम योगी का, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? योगी, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री आज कर्नाटक दौरे पे हैं। एक दिवसीय दौरे पर वो विभिन्न कार्यक्रम और शिलान्यास और साथ ही साथ बैठक करने वहां जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि आज 11:35 पर, यानी आज 11:35 पर एचएल के एयरपोर्ट कर्नाटक में उनका आगमन होगा। उसके ठीक बाद 11:55 पर एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कैंपस जाएंगे, जहां छात्रों से साथ ही साथ वहां के फैकल्टी से और मुलाकात करेंगे। और वहीं आपको बताएं कि 12 बजे से और 12:15 तक कैंपस का पूरा भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान वो तमाम चीजों को भी देखेंगे जो कॉलेज के अंदर में हो रहा है। और माना ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ दौरे अन्य राज्यों का कम करते हैं, मगर जहां से करके आते हैं वहां से कुछ लेकर आते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि कर्नाटका दौरे से वो वहां गए हैं, वहां बैठक करेंगे, वहां की शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, उसको उसमें अगर कुछ अच्छाइयां दिखी तो उसे उत्तर प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं आपको बताएं कि 12:15 से 12:25 पे वो जो एसडीएम समूह के तमाम लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक में वो चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उनके साथ कर्नाटका के राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि 12:25 से और 1:40 तक उन्हें श्री धर्मस्थल मंजुनाथ मंदिर जाएंगे, जहां उन्हें एक समारोह में सम्मिलित होंगे। समारोह में सम्मिलित होने के साथ साथ वहां इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के यूनिट जाएंगे, वहां भी वो बैठक करेंगे। 2:15 पर वो एसडीएम जो है वहां के कैंपस पहुंचेंगे और वहां के कैंपस पहुंचकर जो वहां के लोकल बॉडीज पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ कर्नाटका बीजेपी के जो नेता हैं और कर्नाटका के अंदर में जो संगठन के लोग हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। और 2:25 पर वो बेंगलुरु एयरपोर्ट से वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मयूरी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्नाटक चुनाव भी नजदीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो निकाय चुनाव भी नजदीक है और योगी आदित्यनाथ का चेहरा अब देखा जाए तो देश भर में विख्यात हो चुका है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री आए दिन अलग राज्य जा रहे हैं और लोगों की मांग रही है मुख्यमंत्री को देखने की। साथ ही आपने देखा कि तेलंगाना चुनाव के पहले मुख्यमंत्री तेलंगाना गए थे, उसके भाजपा के लिए अच्छे परिणाम आए थे। जी विवांशु, सीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक जा रहे हैं, तो इसको लेकर कर्नाटक सरकार की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद तैयारियां की गई है। पूरी अगर बात करें तो हर एक चीजों पर वहां
मॉनिटरिंग की जा रही है। और साथ ही आपको बताएंगे मुख्यमंत्री के साथ जो सुरक्षा दस्ता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है वो उनके साथ जाता है, तो मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो बाहरी सुरक्षा चक्र होते हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से तमाम तैयारियां भी की गई है। वही आपको बताए कि आज के इस दौर में, आधुनिक दौर में, कहीं ना कहीं ड्रोन अपने सुरक्षा में एक बेहद अहम योगदान दे रहा है, तो ड्रोन कैमरे से भी वहां निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आपको बताएं कि मुख्यमंत्री का जब यहां से हेलीकॉप्टर कर्नाटक के लिए निकलेगा तो उससे ठीक पहले, अभी मुख्यमंत्री वहां जाएंगे तो उससे पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं। और जो एसडीएम कॉलेज इंस्टीट्यूट है वहां पे बच्चों से भी रूबरू हो सकते हैं। और अगर मयूरी देखा जाए तो जो योगी आदित्यनाथ की छाप है वो पूरे देश भर में अब छप चुकी है। हम कहीं ना कहीं उनके चाहने वाले अब उनसे मिलने के लिए कर्नाटक के इस कॉलेज में पहुंचेंगे। और बात करें भाजपा के समर्थकों की, तो देश के किसी कोने में अगर बात करें भाजपा के समर्थकों की, तो योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं तो भारी संख्या में कार्यकर्ता और संगठन के भी लोग पहुंचते हैं। जी, विवांशु, उनके दौरे के दौरान वहां उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद रह सकते हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि आज के दौरे के दौरान उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री के साथ से जो वहां के लोकल बॉडीज के नेता होंगे, चाहे बात की जाए येदियुरप्पा की तो वो भी, उनके भी आने की आशंका है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। और वही बात की जाए तो भाजपा के जो भी राज्यसभा सांसद और जो भी पदाधिकारी है, सांसद है, उसमें तमाम वो नेता मौजूद रहेंगे। वही कर्नाटक के जो स्थानीय विधायक रहेंगे इस जहां पे मुख्यमंत्री का दौरा है वो भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संगठन और साथ ही साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। जी, जैसा कि कहा गया, चिकित्सा सहित कई केंद्रों का उद्घाटन करेंगे, इसके अलावा भी क्या कर्नाटक की जनता को कोई लाभ मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो वो एक मुख्य अतिथि के तौर पर कर्नाटक गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनकी जो कार्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश तक है। और कर्नाटक के अंदर में अगर वो एक सुझाव दे सकते हैं मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश को उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि अगर देखें तो जो बिजनेस के तालमेल होते हैं वो सब चीजें कर सकते हैं कि आदान प्रदान राज्यों से जो होते हैं उससे बात कर सकते हैं। मगर बात की जाए तो कर्नाटक के अंदर में कुछ विकास के कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा तक उनका कार्य क्षेत्र है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के इस पूरे दौरे में क्या निकल के आता है, मुख्यमंत्री वहां से क्या वहां बच्चों को जो वहां से जो कॉलेज के बच्चे हैं उनसे जो बातें करते हैं, उनसे भी रूबरू होने का कार्यक्रम है, तो उनको क्या मंत्र देते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा देखे तो आज देश भर में विख्यात है, तो मुख्यमंत्री के चाहने वाले भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चाहने वाले भी वहां मौजूद रहेंगे। जी मयूर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विवांशु। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुवर फराहीन खान ने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में छात्रों को बेहतर प्रदर्शन दिखा। इस पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुवर फराहीन खान ने छात्रों को बधाई दी और उनके बेहतर परीक्षा फल के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग उन सभी छात्रों को हर संभव सहायता और सुविधाएं प्रदान करता है जो बेहतर करियर उच्च शिक्षा के लिए उक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट सिलेक्शन माना जाता है और ये कंबाइंड जो साइंटिस्ट मेंस 2022 एंड कंडक्टेड बाय यूपीएससी, इसमें 11 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं और जून में ये हुआ था और ये बहुत ही खुशी की बात डिपार्टमेंट के लिए है और डिपार्टमेंट में बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि ये इंटरव्यू के बाद में जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो ये सारे स्टूडेंट क्लास वन ऑफिसर माने जाएंगे और बहुत हाईली पेड होंगे ये। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जियोलॉजी का माना जाता है। अभी तो जो है जीएसआई में मेंस में सिलेक्शन हुआ है हमारा, जो कि अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, अभी हमें इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है जिसके लिए हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि कंपटीशन भी बहुत टफ है। हर सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं तो हमें जो है कम्पीट करना है उनसे और फाइनली जो है
सिलेक्शन में सिलेक्शन लिस्ट में नाम लेना है। जी मेरा नाम अलमास आफरीन है, मैं इस डिपार्टमेंट से मैंने मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों किया है और फीलिंग तो अच्छी है बट अभी नर्वसनेस भी बहुत है क्योंकि अभी इंटरव्यू बाकी है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिग्रस प्रिपरेशन करनी होगी और कॉम्पिटिशन भी काफ़ी टफ है। सिलेक्शन तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास वन ऑफिसर की जॉब है और अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो हम इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गैजेटेड ऑफिसर सर्व करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये साइंटिफिक फील्ड एज ए साइंटिस्ट हम इम्प्लॉय होंगे उनके अंडर तो ये एक डबल खुशी की बात है कि एक हम ऑफिसर रैंक के एक साइंटिस्ट होंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी अगर हम कर पाएंगे तो। बलरामपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक दौरे पर रहे, आपको बता दें कि कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। वहीं भाजपा के जिला कार्यालय अटल भवन में डिप्टी सीएम ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की जिसके साथ ही जिला मेमोरियल चिकित्सालय भी पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की जिसमें बाद कलवारी गाँव के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। किया है मरीजों को यहाँ लाभ मिला, यहाँ जांच भी हो रही है और चिकित्सकों ने अच्छा काम किया है। यहाँ पर व्यवस्था को लेकर कुछ प्रश्न हमने खड़े किए हैं, जैसे मेंटेनेंस है उसके माइनर ओटी का प्रॉपर रख रखाव रखना चाहिए, धूल गंदगी नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट साफ होने चाहिए, उस विषय में हमने निर्देश दिए और तत्काल सफाई की जाएगी अभियान चला करके और बलरामपुर के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारा धर्म है, मरीज को भगवान मान करके हम यहाँ सेवा करेंगे ऐसा हमने कहा है, साथ से कहा है। अगर इसकी मान्यता नहीं और कैसे इतने पास में खुली इसकी जांच कराकर हमें बताएं। बरेली में राधा माधव स्कूल के छात्र अनंत का अपहरण मामला फर्जी निकला। पुलिस की जांच में पता लगा कि छात्र अनंत अपने आप स्कूल से चलकर पैदल दूसरे स्कूल तक पहुंच गया था और वहां जाकर अज्ञात युवकों द्वारा अपहरण की बात बताई थी। मामले की जांच करने के बाद सीओ सेकंड ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बच्चा पैदल दूसरे स्कूल की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। बच्चे ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया इस पर बात चल रही है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में बच्चा चोरी की अफवाहें आ रही हैं, ग्रामीणों को हम लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स को लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे तमाम क्षेत्राधिकारी जो भी हैं संबंधित क्षेत्र में जाकर और वहाँ के स्कूलों में और वहाँ के आम नागरिकों को इस बात की सूचना दे रहे हैं किस तरह के अफवाह के झांसे में ना आए। जब तक आप स्वयं घटना को न जानते हों और घटना के बारे में पुलिस जाँच आप करवा लें उसके बाद ही इस तरह की कोई सी अफवाह के झांसे में आए। अफवाह है ये कम्प्लीटली, बच्चा चोरी जैसी कोई वारदात जनपद में नहीं हुई है, ना इस तरह का कोई अपहरण हुआ है और इस संबंध में जो तहरीर आज हमें प्राप्त हुई है उसकी संपूर्ण जांच की गई है। गाजियाबाद में मुरादनगर क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजन का मामला सामने आया है जहां रात खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चों को पेट दर्द उल्टी दस्त होने लगे जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर बच्चों का इलाज चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण ऐसा क्या था कि बच्चों को तुरंत खाना खाने के 5 मिनट बाद ही उनकी ऐसी स्थिति हो गई? देखिए पूरा मामला मुरादनगर गाजियाबाद का है जहां पर बच्चों को फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। हालांकि अभी जो बातें हैं क्योंकि जांच के बाद ही निकल कर आएगा कि आखिर इसमें क्या चीज पाया गया था, क्योंकि बच्चे डेली की तरह जिस तरह से डेली जो खाना उनको रूटीन में दिया जाता था वही खाना उनको दिया गया। हालांकि जो वहाँ की जो अध्यापिका हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि बच्चों को जो डेली रूटीन में खाना दिया जाता है जो उनका एक दिनचर्या होता है जिस तरह से लगातार भोजन दिया जाता है, भोजन में कई चीजें अलग अलग बनाई जाती है, हर दिन का अलग अलग एक शेड्यूल होता है, जैसे कि जो बच्चों के लिए दाल चावल वगैरह और किसी बच्चों ने आलू की सब्जी या रोटी खाई थी तो उससे उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। और फूड पॉइजनिंग इसलिए भी खासतौर पर माना जाता है क्योंकि बच्चों को खासतौर में ध्यान रखा जाता है। मुरादनगर में ये जो घटना हुई है ये बड़ी घटना है, पूरे जिले की घटना बड़ी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे जो हैं वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, उसके बाद आनन फानन में उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया,
जहां पर जो भौते सीएमओ है उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और बच्चों को तुरंत के तुरंत उन्होंने रेफर कर अपने अस्पताल में उन्होंने एडमिट कर लिया और उसके बाद लगातार तीन जो बच्चे थे जो ज्यादा सीरियस बताए जा रहे थे उनको उनको आईसीयू में रखा गया और उनको नेबुलाइजर वगैरह भी दी गई, उनको ऑक्सीजन भी चढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं जब ये राकेश सिंह जी वो भी मौके पर वहां से जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने बच्चों का हाल जाना, हालांकि अब जो बच्चों की स्थिति है काफी स्थिर बताई जा रही है, बच्चे अभी समय पर ठीक है, लेकिन जो तीन बच्चे थे अभी भी वो बच्चों आईसीयू पे है और उनको अभी ग्लूकोज चढ़ रहा है जी। हाँ प्रवीण, अभी तो इसमें ये पता चल पाया कि किसकी लापरवाही थी, विद्यालय की लापरवाही थी या जहाँ पर खाना बनता है उसमें कोई लापरवाही थी? देखिए, इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया है, डीएम ने एसडीएम को तलब किया है और बोला है कि टीम की गठित करें, टीम गठित करके इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि इसमें क्या है कि जो फूड पॉइजनिंग हुआ है आखिर क्या पता है जहाँ खाना बनता है वहां से शुरू हुआ है या फिर जहाँ से राशन आता है। हालांकि क्या होता है कि यूरिया जो जब राशन हम स्टॉक करते हैं तो यूरिया खाद वगैरह ऐसी कुछ दवाइयां रखी जाती है जिससे कि उन राशनों में कीड़े ना लगे, तो हो सकता है कि वो उसकी मात्रा ज्यादा हो गई हो उसको लेकर भी इस तरह से फूड पॉइजनिंग हो गई हो। लेकिन जांच बिठाई गई है, जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है, किन लोगों का इसमें हाथ हो सकता है उन पर कार्रवाई होगी जी। प्रवीण, अभी जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, तीन बच्चे जो रात में गंभीर बताए जा रहे थे जिनकी हालत काफी गंभीर थी, बाकी बच्चे स्थिर हो गए थे, उनको जब ग्लूकोज वगैरह दिया गया और जब उनको ऑक्सीजन दिया गया क्योंकि कुछ लोग बच्चों की सांस भी आना बंद हो गई थी, वो सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, तो हालांकि अब बच्चे जो है सभी नॉर्मल है, नॉर्मल पाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार निगरानी रखी जा रही है, टीमों को जो निरीक्षण कर रहे हैं, बार बार जाके बच्चों से मिल रहे हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं। और हालांकि जिस तरह से मामला सामने आया गाजियाबाद का बहुत ही खतरनाक मामला है कि आके इतने बड़े विद्यालय में जहाँ पर बच्चियां पढ़ती हैं वहां पर इस तरह का मामला निकल कर आना और बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक संदेह खड़ा करता है जी। धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। हरदोई में शहर के जेल रोड पर संचालित एक सरकारी राशन की दुकान पर प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक कोटा संचालक राशन में घटतौली करता है जिसकी शिकायत कई बार की गई थी। दिनों से इनकी तलाश थी क्योंकि ये वितरण का इनका मौका नहीं मिल पा रहा था, मतलब वितरण के टाइम दुकान खुली नहीं मिल रही थी, तो आज इनकी दुकान खुली मिल गई है और इसमें जो पहले से तौले जा चुके राशन को दोबारा तौलने पर इनकी घटतौली की जो शिकायत थी वो सही पाई गई है, तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी और इनका कांटा जो है उसको ठीक कराकर पुनः सत्यापन कराकर इनको वापस दिया। कैसे क्या दिक्कत है, कितना गेहूं और चावल मिलना चाहिए, कितना आपको मिल रहा है और किसकी शिकायत पर? 20 किलो मिलना चाहिए, उसमें 16-17 किलो निकलता है राशन पूरा, 20 किलो में 17 किलो निकलता है राशन। अच्छा, कौन आया है यहाँ, किसकी शिकायत पर आपको गेहूं पूरा चावल मिला है? कभी कोई आया ही नहीं, हम इतने ले जाते हैं, पहली बार आई है मैम, कोई नहीं चेकिंग करने कोई आता ही नहीं। हरदोई जिले के आरटीओ कार्यालय में क्लर्क अपनी गैर मौजूदगी में ड्राइवर से काम करवा रहा है, जिसकी जानकारी जब मीडिया को हुई तो मीडिया ने जांच पड़ताल की, मीडिया की जांच पड़ताल में ये खबर सही निकली और क्लर्क की सीट पर बैठकर काम करते हुए ड्राइवर की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। अब देखना ये होगा कि परिवहन विभाग के बाबू द्वारा एक ड्राइवर से सरकारी कामकाज कराए जाने के मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। जी, अभी एक आपके जो NOC के पटल पर एक प्राइवेट व्यक्ति अनाधिकृत रूप से बैठा हुआ था, उस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, NOC का कार्य हमारे एक नए बाबू जो सीतापुर से ट्रांसफर कर रहे हैं वो देख रहे हैं, अभी उनको एक कार्य 10 दिन पहले अलाट किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि चैम्बर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई सुबह जो है 1 बजे के आसपास, तो वो लाइन लगवाई जा रही थी अपने ड्राइवर से, लेकिन उनको रिसीव कर दिया गया है कि ड्राइवर ऑफिस के अंदर बिल्कुल भी न प्रवेश करें और अपना काम स्वयं करें।
कैद हो गई। अब देखना यह होगा कि परिवहन विभाग के बाबू द्वारा एक ड्राइवर से सरकारी कामकाज कराए जाने के मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। सरकारी ड्राइवर से करवा रहे थे काम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ेंगे। हर्षराज, ड्राइवर से सरकारी कामकाज कराने का मामला सामने आया है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई कि नहीं? चाहूंगा कि लगातार इसकी शिकायत मुझे मिल रही थी, लगातार एक हफ्ते से कंटिन्यू मैं बराबर इसके बाबू के कक्ष में जाके बराबर वीडियो बना रहा था, लेकिन जब हमारी टीम वहां प्राइम टीवी की पहुंचती है तो वहां पे देखा जाता है कि जो बाबू हैं एनओसी जो काटते हैं उन्हीं के ड्राइवर जो बैठते हैं सामने सीट पे बैठे हैं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बराबर वो काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लॉगिन और पासवर्ड उनके पास होते हुए अगर कोई भी हरकत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इस बाबत मैंने जब आरटीओ से बात की गई तो बोले आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई है, मैं इस पे कार्रवाई करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती होती है, जबकि यहाँ पे दलालों का बड़ा बोलबाला है और यहाँ पे जांच के नाम पे सिर्फ ऐसे ही चला करता है बराबर। जी, सरकारी दफ्तर में जिस तरह अधिकारियों की मनमानी चल रही है तो इस पर अभी तक कुछ एक्शन हुआ या नहीं? कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बाबत जब आरटीओ से बात की गई बोले मैं अपनी तरफ से देखता हूं और थोड़ा सा संज्ञान लेके जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो भी बचते नजर आए हैं। धन्यवाद हर्ष हमसे जुड़ने के लिए। हरदोई जिले के आरटीओ कार्यालय में क्लर्क अपनी गैर मौजूदगी में ड्राइवर से काम करवा रहा है, जिसकी जानकारी जब मीडिया को हुई तो मीडिया ने जांच पड़ताल की। मीडिया की जांच पड़ताल में ये खबर सही निकली, क्लर्क की सीट पर बैठकर काम करते हुए ड्राइवर की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। अब देखना ये होगा कि परिवहन विभाग के बाबू द्वारा एक ड्राइवर के सरकारी कामकाज कराए जाने के मामले में क्या कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि हमने आरटीओ ऑफिस कॉल की, जिसके बाद अधिकारी ने फोन पे बात करने से मना कर दिया। लखीमपुर खीरी में मितौली थाना क्षेत्र के गहियापुरवा गांव में बाल काटने के बाद डाल गिरने से मजदूर की मौत हो गई। वहीं मजदूर कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग की मिलीभगत में बाघ के काटा जा रहा था युवक का शव, जिसके गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में गांव वाले वन विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अलीगढ़ के पूर्व विधायक की सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में खैर नगर पालिका के चेयरमैन समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चेयरमैन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर युवक से विवाद हुआ था, जिसके चलते जान से मारने की सुपारी दी थी। वहीं पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवक की हत्या करने के लिए सूत्रों को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर उनको जेल भेज दिया। खैर नगर पालिका अध्यक्ष संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू अपराधी व्यक्ति है। इस पर हत्या करने और हत्या का प्रयास करने के अनेकों मुकदमे चल रहे हैं। इसके द्वारा अभी हाल में ही खैर इंटर कॉलेज खैर की आईटीआई भवन, जो लगभग 5 करोड़ रुपए का लागत से बना हुआ, उसको अपने सफाई कर्मचारियों और स्वयं जाकर हथियारों के बल पर, गुंडागर्दी के दम पर जेसीबी मशीन द्वारा ढा दिया गया। उससे इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इसने करवन नदी, जो सिंचाई विभाग की नदी है, उसमें 150 मीटर के लगभग उसको पाट दिया और पाटने के बाद में उस पर रास्ता बना दिया, इंटरलॉकिंग करा दी और वहाँ ज़मीन खरीद कर दूसरी पार 1000 रुपये गज की ज़मीन खरीद कर 30000 रुपये तक वहाँ पर प्लॉट बेचने इसने शुरू कर दी है। 27 अगस्त को श्री प्रमोद गौर द्वारा एक तहरीर थाने पर प्रस्तुत की गई, थाना खैर पर, जिसमें उनके द्वारा निर्दलीय चेयरमैन बताते हुए संजीव अग्रवाल उर्फ बिट्टू, इसके अलावा
विकास शर्मा और राजकुमार जाट, इन तीनों को वहाँ पर नामजद किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि संजीव अग्रवाल वहाँ के नगर पंचायत का चेयरमैन है। और यह भी बताया गया कि इनके द्वारा इनकी हत्या की साजिश की जा रही है तथा कुछ क्रिमिनल्स को हायर करके इनके खिलाफ जो इनके विरुद्ध जो है ये कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल छानबीन शुरू की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर, होटल के डॉक्यूमेंट के आधार पर, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर तीन अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनका नाम संजय, राहुल और करण है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।